हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर और आपकी बुक का सिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि प्रयोग करते समय इसके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है। हर्ष और अंशिका दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। हर्ष ने कहा, दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अंशिका ने कहा, दूध को पी जाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हर्ष पुरुष जाति का और अंशिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह लिंग कहलाता है। लिंग बदलने पर क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा है क्रिया है, तो धोबिन कपड़े धो रही है, ये दोनों क्रिया में बदलाव आ गया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में आपने देखा कि क्रिया का रूप बदल गया है। बच्चों, लिंग शब्द से तात्पर्य चिन्ह अथवा पहचान करने के साधन से है। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जो है वो स्त्री जा पुल्लिंग जो शब्द जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग पहचानने के कुछ प्रमुख नियम। आप प्राणीवाचक संज्ञाओं जैसे आकाश, कुर्सी, चांदी, छाता, नदी, पर्वत, सोना आदि, इनके लिंग की पहचान के लिए व्याकरण के नियमों को ही आधार बनाना चाहिए। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कछुआ, कौआ, खटमल, गेंडा, गरुड़, चीता, तोता, बाज, बिच्छू, मच्छर, पशु पक्षी आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, मैना, मक्खी, चील, तितली आदि। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, मैनेजर, राजदूत आदि शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे ये लोग पुरुष हो या स्त्री। इन शब्दों के लिए के लिंग का परिचय क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। जैसे सभापति आए, पुल्लिंग शब्द आता है, और फिर आता है सभापति आई, स्त्रीलिंग शब्द। डॉक्टर आए पुल्लिंग शब्द में, डॉक्टर आई स्त्रीलिंग शब्द में होता है। बच्चों, पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वस्तु के नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। जैसे ग्रंथ पुल्लिंग है, उसी तरह पुस्तक स्त्रीलिंग है। चित्र पुल्लिंग है, तस्वीर स्त्रीलिंग है। छाता पुल्लिंग है, छतरी स्त्रीलिंग है, जबकि दोनों एक ही चीज़ होती है। इसी तरह इधर भी दिया गया है। फिर है लिंग बदलने के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे छोटा आ को बड़ा आ करके, जैसे हम किसी पिताजी को लिखते हैं पूज्य और माताजी को लिखते हैं पूज्य, ऐसे ही अपने दोस्त को लिखते हैं प्रिय और सहेली को लिखते हैं प्रिया। सुत बेटा होता है और सुता बेटी होती है। इसी तरह और भी शब्द दिए गए। फिर दूसरा नियम है, बड़ा आ को ईया कर देते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, ईया हो गया इसमें। फिर बड़ा आ को बड़ी ई कर देते हैं, जैसे दादा दादी। आईना का आईना या आनी जोड़कर, जैसे लाला है लाला का लालाइन, आइन जुड़ गया इसमें। फिर चौबे में चौबाइन, आइन जुड़ गया इसमें। फिर इका तथा इन जोड़कर, बालक का बालिका हो गया और तेली का तेलिन हो गया, इन और इका जुड़ गया इसमें। वान और वती करके, धनवान का धनवती, भगवान का भगवती। इसी तरह हम इस नियमों को पालन करते हुए करते हैं। फिर है वचन। वचन में क्या है बच्चों? जंगल के राजा शेर ने पशु पक्षियों की एक सभा बुलाई, मतलब एक मीटिंग बुलाई। क्या इस सभा को देखकर आप बता सकते हैं कि सभा में कौन कौन आया है? उपयुक्त चित्र को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें किसकी संख्या एक है और किसकी अनेक। जैसे एक शेर एक है, हिरण अनेक है, हाथी एक है और खरगोश अनेक है, रीछ एक है और भालू अनेक है, मोर एक है और बंदर अनेक है। इस प्रकार व्याकरण में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, तोता, मछली, अंगूठी। दूसरा बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, तोते, मछलियाँ, अंगूठियाँ। विशेष इसका है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश, वर्षा, जनता, आम, पानी, घी आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे
आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। आदर या सम्मान प्रकट करने हेतु किसी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, प्रधानाचार्य अपने कक्ष में बैठे हैं। वचन की पहचान, वचन की पहचान मुख्यतः दो रूप से होती है, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा तथा दूसरा क्रिया के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, ये एक वचन है। उसी तरह लड़का का लड़के हो जाएगा तो लड़के पढ़ रहे हैं बहुवचन हो जाएगा। फिर है वो आज बाजार जाएगा, एक वचन है। फिर वे आज बाजार जाएंगे, बहुवचन। ये सर्वनामिक बदलाव है सब। मैं कल आऊँगा, एक वचन है। हम कल आएंगे, बहुवचन है। क्रिया के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा भी एक या एक से अधिक का बोध कराया जाता है। जैसे शेर पानी पी रहा है, और बहुवचन में कहेंगे शेर पानी पी रहे हैं। ये क्रिया पानी पी रहे हैं जो ब्लू कलर से, वो क्रिया है। तो क्रिया एक वचन में पी रहा है हो जाएगा, और बहुवचन में पी रहे हैं हो जाएगा। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। बड़ा आ से ए बनाकर, जैसे कमरा को अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो उसमें ए की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा कमरे। आ से ए बनाकर बात का बातें कर देंगे, छोटी ई या बड़ी ई में या जोड़ देते हैं। लिपि है जैसे तो लिपियाँ। इस तरह बड़ा आ में ए जो ए जोड़कर, या में अनुनासिक जोड़कर कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनमें वर्ण, वर्ग, जन, लोग, गणना आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे गुरु, गुरु का हो जाएगा गुरुजन। अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा आता है हमारा कारक। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखो। बच्चों ने चिड़ियाघर में भालू को दूर से देखा। इस वाक्य में ने, मी, को से विशेष चिन्ह है। ये चिन्ह वाक्यों में शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। मतलब देखिए, जो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ये कारक के चिन्ह है। ने, मी, को से, ने, मी, को से, ये सब जो क्या है, चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह। इसे परसर्ग भी कहते हैं। इस प्रकार कारक की जो परिभाषा होती है वो होती है वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के भेद, कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं। पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। नीचे कारक, उनके चिन्ह और वाक्य में प्रयोग को पढ़िए। देखिए, पहला दिया है कारक कर्ता, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। वाक्य में प्रयोग है सचिन ने पत्र लिखा। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, सचिन ने पत्र पढ़ा है। फिर दूसरे में ऐसे भी बोल सकते हैं, सचिन पत्र पढ़ता है। फिर है इस तरह भी होगा तो ये कर्ता ही कहलाएगा। फिर कर्म, कर्म को, कर्म में विभक्ति चिन्ह है को। सचिन ने मित्र को पत्र लिखा, इस तरह लिखते हैं। फिर करण कारक, करण में जो विभक्ति चिन्ह है वो से भी हो सकता है और के द्वारा भी हो सकता है। जैसे अंशिका ने पेंसिल से चित्र बनाया। फिर है मेरी पुस्तक हर्ष के द्वारा भिजवा दो, ये करण कारक था। फिर चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए, के लिए मतलब किसी दूसरे के लिए करना। तो मेरी छोटी बहन के लिए राखी, मैं छोटी बहन के लिए राखी लाया। अपादान, अपादान का मतलब है से, से ऊपर भी था इसलिए इसका मतलब है अलग होने के अर्थ में। जैसे कि इसमें दिया ना, पेड़ से पत्ता गिरा या बच्चा छत से गिर गया, तो वो छत से अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे से का यूज़ किया गया। संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के। का मतलब जैसे है, ये पत्र शुभम का है, कि निधि की बहन पढ़ रही है, के सचिन टोनी के घर गया। फिर है अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर। में का है टोकरी में केले हैं, पापा जी कुर्सी पर बैठे हैं। फिर संबोधन, संबोधन मतलब किसी को पुकारना। हे, अरे, ओ। हे का है वाक्य है, हे प्रभु हमें शक्ति दो। अरे, अरे हर्ष तुम्हें क्या हुआ। ओ मूर्ख सोच समझ कर बोल। आइए विस्तार से कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक के बारे में, काम को करने वाले को कहते हैं। जैसे कंचन ने चित्र बनाया, कंचन चित्र बना रही है। जो कंचन है वो कर्ता है। फिर यहाँ चित्र बनाने का काम कंचन ने किया, इसलिए कंचन कर्ता कारक है। कर्म कारक, काम का प्रभाव जिस पर पड़े। जैसे अलमारी को खोल दो, अलमारी, अलमारी के ऊपर पड़ रहा है काम ना, कोई भी खोलेगा तो अलमारी, तो हमारे यहाँ पर क्या अलमारी कर्म है। अंकुर ने अलमारी खोली, तो अलमारी इसमें भी अंकुर ने क्या खोला। यहाँ खोलना क्रिया का प्रभाव अलमारी पर पड़ रहा है, इसलिए अलमारी कर्म कारक है। फिर आता है करण कारक, जिस साधन से काम किया जाए। जैसे कि लड़कियां साइकिल से जा रही हैं, तो साइकिल से जा रही हैं ना, जिस उसके साइकिल के द्वारा, तो साइकिल इसका करण है। फिर लड़कियां किससे जा रही हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ जाने का काम साइकिल से किया जा रहा है, इसलिए साइकिल से करण कारक है। संप्रदान कारक,
जिसके लिए काम किया जाए। जैसे अंजलि दादाजी के लिए आइसक्रीम लाई, किसके लिए लाई? दादाजी के लिए। तो दादाजी जो है वो संप्रदान कारक है। यहाँ अंजलि ने दादाजी को आइसक्रीम देने का काम किया, इसलिए दादाजी के लिए दादाजी को संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक किसी से अपदान कारक सॉरी अपदान कारक किसी से अलग होना, दूरी, तुलना करना। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ से अपदान कारक क्या है इसमें? पेड़ से अलग होना, और हरे पत्तों से तुलना की जा रही है कि हरे पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। संबंध कारक किसी का किसी चीज़ से संबंध बताना, दो शब्दों के बीच संबंध बताता है। रेनू चित्र बनाने की कॉपी लाई, कॉपी लाई लेकिन किसकी? चित्र बनाने की। संबंध क्या है? चित्र बनाने की। फिर ये मेरी भी पेंसिल है, तो मेरी, ठीक है, मेरी जो है इसमें संबंध कारक हो जाएगा, मेरी और कॉपी में, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अधिकरण कारक क्या है? जिस पर या जिस में कोई वस्तु हो, जैसे पेड़ पर घोंसला है तो पेड़ पर, घोंसले में पेड़ पर घोंसला है तो इसमें अधिकरण क्या है? पेड़ पर। घोंसले में बच्चे हैं, किस में बच्चे? घोंसले में, तो घोंसले में और पेड़ पर जो है यहाँ पे अधिकरण कारक है। फिर आता है हमारा संबोधन कारक, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए। अरे भैया बचाओ ज़रा सुनो, इसमें क्या है संबोधन? अरे भैया, किसे पुकारा जा रहा है? अरे भैया, तो ये संबोधन है। ध्यान रखें, संबोधित करते समय बच्चों, भाइयों, लड़कों, लड़कियों शब्द का प्रयोग किया जाता है, बच्चों, भाइयों, लड़कों, लड़कियों का नहीं। संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग शब्द के बाद किया जाता है। वाक्य में शब्दों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जब कारक जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द ना कहकर पद कहते हैं। जैसे पिताजी ने पत्र के द्वारा सूचना भेजी। इन वाक्यों में तीन पद हैं। कई बार शब्दों के साथ ने, की आदि कारक चिन्ह भी, कारक चिन्ह नहीं भी लगते हैं, फिर भी इन शब्दों को पद ही कहा जाता है। जैसे सचिन गया, तोता उड़ा।